हाय, एक नई वीडियो पे स्वागत है फ्रेंड्स। ये R15 वर्जन 3 मॉडल के हैं। इसमें एक इश्यूज आ गया, मतलब सेल्फ नहीं घूर रहा है, सेल्फ पे कोई काम ही नहीं हो रहा है। जैसे देख पा रहे हैं, इग्निशन ऑन करने के बाद कुछ नहीं हो रहा, जिसका सेल्फ मोटर का प्रॉब्लम आ गया। ऐसे तो बहुत सा प्रॉब्लम होता है, तो मेक श्योर फर्स्ट में हम लोग को नज़र जाएगा मोटर में। तो इस जगह पर मोटर रहता, मैं खोल के रखा हूँ, तो मोटर का ये हाल है। तो फ्रेंड्स देखिए, मोटर को मैं खोल के रखा हूँ, काफ़ी ज़्यादा डस्ट बढ़ गया, मतलब इसका कार्बन ख़राब हो जाता है, इसका वजह से सेल्फ वर्क नहीं करता है। तो ज़्यादातर इसका सेल्फ का ही प्रॉब्लम होता, अदरवाइज़ बहुत सा प्रॉब्लम हो ही सकता है, तो इसको डायग्नोस करके देखनी पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसको, चलिए इसको बताते हैं इसका सेल्फ कैसे रिपेयर किया जाता है। और सेल्फ के लिए क्या आपको सोल्डरिंग का भी ज़रूरत पड़ेगा, तो ये चीज़ आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, सोल्डरिंग वगैरह का। और कार्बन भी बाहर से लाने पड़ेगा, कार्बन लगा करके इसको सेल्फ को रनिंग करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए तो ताकि समझ में आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो गाइस देख पा रहे हैं, ये सेल्फ को ऐसे यहाँ पे ये जो कार्बन है इसको निकालना पड़ेगा, इसको सोल्डरिंग से इसको पेस्ट करके निकालना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे वाला सेल्फ कार्बन लगाने पड़ेगा, फिर से सोल्डरिंग करके फिर लगाने पड़ेगा। दूसरे वाला जो है उसको नट बोल्ट से टाइट करना पड़ेगा, मैं दिखाऊंगा। तो गाइस देख पा रहे, ये कार्बन इस तरह दुकान से परचेस करके लेना है, अच्छी क्वालिटी का है, ये चलेगा। तो इसको निकाल लेना है, तो देखिए ये जो है ये बीच में लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको पहले गला लेते हैं, तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं ये इसको ऐसे थे पुश कर देना है, पुश करने के बाद में इसको सोल्डरिंग करना पड़ेगा। तो गाइस देख पा रहे, इसको अच्छी तरह से बैठा दिए, अब जस्ट खाली इसको वेल्डिंग करना है, फिर से इसको वेल्डिंग तार देके सोल्डर करना है। तो गाइस देख पा रहे, काफ़ी अच्छा तरह से कार्बन लग गया, अब जस्ट इस रोटर को पुश करना है और सेल्फ वर्क करने लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो गाइस देख पा रहे, अच्छा तरह से दोनों दो आदमी पकड़ के इसको लगाने पड़ता है, कार्बन अच्छी तरह से कार्बन लग गया, अब इस रोटर। तो गाइस देख पा रहे, यहाँ पे एक एरर लगा हुआ है, यहाँ पे दाग, इसी दाग पे बैठाना है, क्योंकि अलग जगह में ऐसे घूर के बैठ जाएगा तो मैग्नेट वर्क नहीं करेगा, मतलब मैग्नेट उल्टा पुल्टा घूमने लगेगा इससे। तो इसी जगह पे इसी पोजीशन में रखना है इसको डायरेक्शन, इसका टाइमिंग है ये मैग्नेट का और सेल्फ का रोटर का ये टाइमिंग है, इसी जगह पे रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, इसी तरह अब दो नट लगा देना है, छोटा छोटा नट आता है, इसको इस तरह लगा देना है। तो फ्रेंड्स ऐसे एक बैटरी ले लेना, इसको बाहर में चेक कर देख लेना है कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको वर्क करने के लिए दिखाते हैं आपको, इसको प्लस पॉइंट है, इसको प्लस पॉइंट में इस तरह लगाना है, क्योंकि ये बॉडी है नेगेटिव, इसको प्लस में ऐसे सटा के रखना है, एक कोई भी पैचकस से लेके इसको टच करना है। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, अब गाड़ी पे लगाते हैं, बाइक पे लगा के भी देखते हैं। तो गाइस देख पा रहे हैं ये गाड़ी में मैं सेटिंग कर दिया हूँ, उसके बाद देखते हैं इसको वर्क कर रहा है कि नहीं। चलिए इग्निशन को ऑन करते हैं, फिलहाल मेरा इग्निशन ऑन ही है, आप सेल्फ स्विच को प्रेस करते हैं। तो आवाज़ सुन पाए फ्रेंड्स, बस क्लस सेल्फ स्टार्ट हो रहा है, जितने बार मारे इसको फिर एक बार मारते हैं। तो फ्रेंड्स देख पाए सेल्फ रिपेयरिंग कैसे होते हैं,
और मेरा वीडियो से कुछ अगर सीख पाए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दूसरे फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।